नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग अभी ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी में हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो विश्व का भूगोल का अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो आपका है प्रजातियाँ जनजातियाँ, तो रेसेस एंड ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी इसका इंपॉर्टेंट लाइनर है, वन लाइनर, उसको पढ़ेंगे। और जो भी आपका विश्व की यानी प्रमुख जनजातियां तथा उनके निवास क्षेत्र, उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, तो रेसेस एंड ट्राइब्स। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट लाइन में, तो अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी जो है आपका कांगो घाटी में पाई जाती है। कांगो घाटी में आपका पिग्मी पाया जाता है। खानाबदोश जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो खानाबदोश जनजाति शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो खानाबदोश जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। जूलू जनजाति, जूलू ट्राइब जो आपका है किस देश में पाई जाती है, तो जूलू जनजाति आपका दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। जूलू जनजाति जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कुर्दिश मुल्क के लोग आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान एवं इराक देशों में पाए जाते हैं, जो मूलतः पशु पालक कृषक वर्ग में आते हैं। तो कुर्दिश मुल्क के लोग आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान एवं इराक के देशों में पाए जाते हैं, जो मूलतः पशु पालक कृषक वर्ग में आते हैं। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है, तो किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। जिप्सी जनजाति, तो जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किसे माना जाता है, तो जिप्सी जनजाति का मूल स्थान भारत को माना जाता है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो कांगो घाटी में। और खानाबदोश जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो शुष्क क्षेत्र में। जूलू जनजाति, जूलू ट्राइब किस देश में पाई जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका में। कुर्दिश मुल्क के लोग आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान एवं इराक देशों में पाए जाते हैं। तो कुर्दिश मुल्क के लोग आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान व इराक देशों में पाए जाते हैं, जो मूलतः पशुपालक कृषक वर्ग में आते हैं। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है, तो किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किससे माना जाता है, तो जिप्सी जनजाति का मूल स्थान भारत को माना जाता है। ठीक है, भारत को माना जाता है। नेक्स्ट आपका है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति की है, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या मंगोलॉइड का है। ठीक है, मंगोलॉइड का है। और अधिकांशतः एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह उत्तरी कनाडा, अलास्का एवं पूर्वी साइबेरिया में भी पाया जाता है। तो अधिकांशतः एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है, और इसके अतिरिक्त यह उत्तरी कनाडा, अलास्का, पूर्वी साइबेरिया में पाए जाते हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी है, तो एस्किमो टुंड्रा प्रदेश की निवासी है। एस्किमो आपका जो है टुंड्रा प्रदेश की निवासी है। और सेमांग जनजाति, सेमांग ट्राइब कहाँ की निवासी, तो मलेशिया की है। तो सेमांग जनजाति आपका मलेशिया का जनजाति है। बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र में संबंधित है, तो बुशमैन जनजाति विश्व के आपका कालाहारी मरुस्थलीय अफ्रीका में है। लैप्स जनजाति के निवास के कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, तो लैप्स जनजाति के निवास के लिए आपका स्कैंडिनेविया जो प्रदेश आपका प्रसिद्ध है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति की है, तो मंगलवाइट का है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या आपका जो है मंगलवाइट मानव प्रजाति का है। और अधिकांशता एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है। तो अधिकांशता एस्किमो जनजाति जो है ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है, और इसके अतिरिक्त यह उत्तरी कनाडा, अलास्का एवं पूर्वी साइबेरिया पर भी पाई जाती है। एस्किमो कहाँ की निवासी है, तो एस्किमो आपका टुंड्रा प्रदेश की निवासी है। एस्किमो टुंड्रा प्रदेश की निवासी है। सेमांग जनजाति, सेमांग ट्राइब कहाँ की निवासी है, तो सेमांग ट्राइब मलेशिया की निवासी है। ठीक है, तो सेमांग ट्राइब मलेशिया की है। बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र में बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका कालाहारी मरुस्थलीय अफ्रीका से संबंधित है। लैप्स जनजाति के निवास के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो लैप्स जनजाति के लिए आपका स्कैंडिनेविया प्रदेश प्रसिद्ध है।
इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो रेसेस एंड ट्राइब्स, तो एक बार हम रिवाइज करेंगे शुरू से, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति जिप्सी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी में। खानाबदो जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपके शुष्क क्षेत्र में। जुलू जनजाति जुलू ट्राइब किस देश में पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। कुर्दिश मूल के लोग आर्मेनिया अजरबैजान ईरान एवं इराक देशों में पाए जाते हैं, जो मूलतः पशुपालक कृषक वर्ग में आते हैं। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है? तो अफ्रीका को। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किसे जिप्सी जनजाति को मूल स्थान किसे माना जाता है? तो भारत को। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति की है? तो मंगलवाइट का है। अधिकांशता एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह उत्तरी कनाडा अलास्का एवं पूर्वी साइबेरिया में भी पाई जाती है। एस्किमो कहाँ की निवासी है? तो टुंडा प्रदेश की निवासी है। सेमांग जनजाति सेमांग ट्राइब कहाँ की निवासी है? तो मलेशिया की है। बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र अफ्रीका से संबंधित है। तो और लैप्स जनजाति के निवास के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? तो स्कैंडिनेविया देश है, ठीक है, स्कैंडिनेविया प्रदेश है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। What's happening?